आइए दोस्तों, आज आपको अपने साथ बहुत ही खूबसूरत कुछ और नई जगहों पे लेके चल रहा हूँ। मैं लखनऊ, बनारस और अयोध्या इस बेल्ट पे निकला था टूर करने। मैंने कहा अपने दोस्तों को, इंटरनेशनल ट्रिप तो मैंने बहुत सी करा दी है, अब थोड़ा सा इंडिया के भी खूबसूरत जगह का मज़ा ले ना। अयोध्या राम मंदिर जाना था तो पहले लखनऊ गए, लखनऊ से भी वाराणसी गए, पूरा हमने उसके दर्शन किए, बहुत अच्छा, उसमें बहुत ही अच्छी ये ट्रिप थी, उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो एयरपोर्ट पहुँचे T2, ये देखिए आप क्या ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट एकदम नीट एंड क्लीन, फर्स्ट क्लास। आप जाइए उसमें, आप अच्छा खासा टाइम, मतलब अगर आपके पास टाइम है, आप लाउंज में बैठ के 1.5-2 घंटे आराम से इसमें निकाल सकते हैं। देखने लायक है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो खैर इंडिया की क्या वर्ल्ड के टॉप कुछ एयरपोर्ट्स में से एक है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। देखिए जब ब्यूटी देखिए, क्या नीट एंड क्लीन, फर्स्ट क्लास। आप इंटर करते ही अलग ही एक दुनिया में पहुंच जाते हो, बहुत ही खूबसूरत हो, इतना वेल मेंटेन और मतलब इतना सिस्टमेटिकल सारा सिस्टम है यहाँ पे कि कहीं पे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। सारे साइनेज बने हुए, साइनेज को देखते देखते आप फटाफट जिस जोड़ पे आपकी फ़्लाइट है चेक इन कराओ, अपना वहाँ से हिसाब से वहाँ पहुँच जाओ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा स्पॉट है, आई लव मुंबई, जो भी आता है इस स्पॉट पे खड़ा होके, जितने यूट्यूबर्स हैं इंस्टाग्राम वाले रील्स बनाने वाले, वो जरूर वहाँ पे खड़े होके मुंबई की रील्स बना के भेजते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम आगे निकले, हमने कहा टाइम है काफ़ी लंबा तो क्यों नहीं हम अपना लाउंज में बैठ के, फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, दोपहर की फ़्लाइट थी, 1-1.5 घंटे का टाइम था, हमने चलो भाई कुछ वहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स ले लें। वहाँ पे तो आप जानते हो लाउंज में आप जाओगे तो ऑलमोस्ट पूरे टाइम आपको सारा मेन्यू चेंज होता रहता है, लंच भी है, ब्रेकफास्ट भी होता है मॉर्निंग के टाइम पे, दोपहर में लंच होता है, शाम को स्नैक्स होता है और रात को फिर डिनर लगाते हैं। ये VIP लाउंज अडानी का, उसमें हम गए, मैंने टाइम काफ़ी है, चलो भाई आराम से बैठते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। दोस्तों से थोड़ी गुफ्तगू करें, ऐसी बहाने आराम से बैठ के आप बाहर का व्यू देखिए, सामने एयरपोर्ट दिखता है पूरा, फर्स्ट क्लास। ये देखिए लंच का टाइम हो गया, तो दोपहर में तो काफ़ी अच्छे सामान लगे थे वहाँ पे, और बाकी साथ में स्टार्टर्स में भी आइटम काफ़ी थे। अब जिसको जो जैसी एपेटाइट हो, क्योंकि फ़्लाइट पे भी लंच मिलने वाला था तो हमने ज़्यादा वहाँ पे लिया नहीं, पर थोड़ा बहुत जो आइटम ले सकते थे, थोड़ा बहुत स्नैक्स में देखे, टी कॉफ़ी ली, और कुछ लोग तो ऐसे हो, मैंने देखा हार्ड ड्रिंक्स जो है उसके भी शौकीन हैं, लगा रहे हैं सवेरे सवेरे, दोपहर में कभी भी टाइम पे जाओ उस समय लगा रहे हैं, बॉटल्स में अनलिमिटेड है जो भी आप ले सकते हैं, सैलड्स वगैरह का काउंटर अलग बनाए देखिए। अब एपेटाइट के हिसाब से कई लोग जाते हैं इसी वसूल में कि पैसा वसूलें, आराम से पहले पहुँच जाएँ और 1.5-2 घंटा जम के पैसा वसूलें, और फ़्लाइट में वो विदाउट मील वाला लेते हैं, पर हमने मील वाला था फ़्लाइट मेरी तो मैंने ज़्यादा उसमें वो नहीं किया। पर देखिए खाली आपको एक दिखा रहा था कि राउंड मार के क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, आप देखिए एक T2 का लाउंज जो है, बहुत ही अच्छा लाउंज है, एकदम फ्रेश बनाते हैं, पाव वगैरह देखिए ये है, पाव भाजी भी है, नूडल्स भी हैं, चाउमीन भी है, स्टार्टर्स में तो दुनिया भर की वैरायटी लगी है, मेन कोर्स में भी काफ़ी वैरायटी है, वेज नॉन वेज जिसकी जो शरबत आप खाओ अनलिमिटेड है, स्वीट्स भी हैं काफ़ी वैरायटी के, डेजर्ट्स भी हैं, इडली वगैरह मैंने लिया थोड़ा बहुत हल्का स्लाइड, ज़्यादा मन नहीं था, थोड़ा सैलड लिया, थोड़ा बहुत बंस वगैरह ले लिया, क्रोसों ले लिया, कॉफ़ी ले ली, बस हो गया काम अपना। अच्छा लगता है बस, मतलब आप जाते हो एक अलग एम्बियंस में बैठते हो तो काफ़ी आपको अच्छा लगता है। फिर वहाँ से बाहर निकल गए, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, वॉक करते हुए अपना फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो टूवर्ड्स डिपार्चर गेट पे गए, मैंने कहा अपने दोस्तों को दिखा दो भाई जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, अच्छी चीज़ें जो मेरे मुंबई के बाहर के दोस्त हैं, कभी मुंबई आए तो उनको ये सब नज़ारे देखने को ज़रूर मिलेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़ारे बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ पर आके, और बहुत ही वेल मेंटेन और वेल प्लान्ड है पूरा ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी तो नवी मुंबई एयरपोर्ट भी बनने वाला है बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर से वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से फ़्लाइट इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, जितनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं सारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएंगी, T2 एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट में। बस चिल करो मेरे साथ दोस्तों, लगे रहो, बहुत जल्दी आपको लखनऊ लेके जाता हूँ साथ में अपने। क्या है ये? नहीं समझे ना, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस चिल।